नमस्कार दोस्तों, आज मैं अनरसा बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया, आधा कटोरी गुड़ लिया, 2 चम्मच तिल लिया और 3 मैंने मिल्क केक लिया। अगर मिल्क केक आपके पास नहीं है तो मावा भी ले सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने एक कटोरी पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया और अब इसमें हम गुड़ डालेंगे और इसे मिलाएंगे। और गुड़ का पानी जो हमने उबाला था वो डाल करके इसमें आटा डो तैयार कर देंगे। थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया और अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए। मिल्क केक को मसल लेते हैं इस तरह से। मावा आपके पास है तो उसको थोड़ा सा भून के सुखा लीजिए पानी उसका। इसे हमने तोड़ लिया। इस तरह से आटा तैयार कर लिया हमने। अब हम हाथ में थोड़ा घी लगाएंगे। आप गुड़ की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। और इसमें कटोरी बनाते हुए इस तरह से हम मावा को भर देंगे इसमें और अच्छी तरह से बंद करते हुए इस तरह से बंद करते हुए हम दबा देंगे। इस तरह से दबाने के बाद एक साइड में तिल के ऊपर थोड़ा दबा देंगे। देखिए इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से सारा हम बना लेते हैं। मैंने सारा अनरसा तैयार कर लिया। अब इसे चलिए फ्राई करते हैं। मैंने तेल चढ़ा दिया, गरम हो गया तेल मीडियम। आप घी या रिफाइंड जिसमें बनाना चाहते हैं बना लें। और अब मैं डालती हूँ इसमें गैस स्लो मीडियम करके पकाएं इसे अच्छी तरह से। इसे मैंने पलट दिया है और ये इसी कलर का रखना है। देखिए ये तैयार हो गया और इसे मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ। और ये तिल ऊपर होना चाहिए, इस तरह से डालना चाहिए। तो सावधानी से डालें। लीजिए आपके लिए अनरसा तैयार है, बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया। आप बना के देखिए, इस तरीके से खा के देखिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।